श्री शिव नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? गुरुवार का दिन और मासिक शिवरात्रि बड़ा ही दुर्लभ योग है। पीपल के वृक्ष को केवल एक चीज आपको अर्पित करनी है। बड़ा ही आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुजी की कथा सुन करके और समझ करके समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिव नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और आपको इसी मासिक शिवरात्रि पर ये अद्भुत उपाय करना है। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और 11 दाने तिल के लेने हैं। देखिए, काले जो तिल होते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं और काले तिल हमको शनि के दुष्ट प्रभाव से बचाता है। अब आपको क्या करना है, इस जल को पात्र को लेकर आपको किसी भी पीपल के पेड़ के वहां पर जाना है और ऐसे पीपल के पेड़ के वहां पर जाना है जहां पर पूजा होती हो, वहां पर आपको ये जल अर्पित कर देना है। लेकिन पूरा नहीं कर देना है, आधा जल आपको अर्पित कर देना है पीपल के जल के वहां पर। ये जो उपाय है आप ये सूर्यास्त के पहले कर ले और आधा बचा हुआ जल आपको भगवान शिव जी के लिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। गुरुवार के दिन काले तिल अगर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर स्पर्श होते हैं तो आपके जीवन में गुरु से जुड़ी हुई सारी जो ढैया होती है वो समाप्त होती है। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जल आप अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जब आप पीपल के वृक्ष पे ये जल चढ़ाएंगे तब आपको ओम नमः महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसी प्रकार आपको ये अद्भुत क्रिया करनी है। आधा जल आपको चढ़ाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर और आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आप ये उपाय कर नहीं सकते किसी कारणवश तो कम से कम पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक लगाना है सरसों के तेल का और उसके अंदर 11 तिल के दाने आपको डाल देने हैं। तो इसी प्रकार से दोनों क्रिया बहुत ही अद्भुत है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।